जोहर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पेल चेक में ऑटो करेक्ट ऑप्शन के बारे में। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन करता है क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी ग्रामेटिकल एरर होता है ना, उसको सही करता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको सारे जितने भी ग्रामर से रिलेटेड एरर होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जब आप उस पर राइट क्लिक करोगे ना, तो सारे सही ऑप्शन आपको दे देगा। आप उसमें से अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे, सपोज़ यहाँ पर मैं एक लेटर टाइप करता हूँ, LETTER। ठीक है, मैंने टाइप किया लेटर और बस मैंने लिख दिया ई। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, गलत लिख दिया। ठीक है, मैं इसे चेक करूँगा, जो लेटर गलत होता है, ठीक है, जो भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड जो गलत होता है ना, उसके नीचे ऐसा रेड लाइन बन जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, तो आप सही कैसे करोगे, आपको उसको राइट क्लिक करना है और सही कर देना है। ओके, LETTER। राइट, आपने किया, ग्रामेटिकल एरर है। इसके अलावा सपोज आपने कोई वर्ड देखा, ठीक है, जिसको आप सही नहीं करना चाहते, आप उसको वैसे ही रखना चाहते हो, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ से इग्नोर ऑल कर दोगे या फिर ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे। ठीक है, सपोज मैंने इग्नोर ऑल कर दिया तो ये लेटर वैसे के वैसे हो जाएगा। ठीक है, आप उसे सही नहीं करना चाहते, आप मत करें। ओके, इसके अलावा ऑटो करेक्ट का यूज़ हम कैसे और मतलब और किस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई स्पेसिफिक सिंबल प्रिंट कराना हो अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आपको कॉपीराइट का सिंबल प्रिंट कराना हो, या रजिस्टर या ट्रेडमार्क जैसे जो सिंबल्स होते हैं ना, वो आपको प्रिंट कराना हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसका, ठीक है, उसके लिए भी जो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है आपको हेल्प करता है। वो कैसे, ठीक है, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं ना इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जस्ट रीड इट वंस, आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, चीज़ें जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सपोज ये लेफ्ट एरो है, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है लेफ्ट एरो, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है एक तरह का, जो शॉर्टकट है ना उसको सिंबल में बदल देगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको जैसे लेफ्ट एरो प्रिंट करना है, आपको क्या करना है, लेस देन का साइन लगाना है और डैश डैश। ठीक है, लेफ्ट एरो प्रिंट हो गया। सपोज आपको राइट एरो प्रिंट करना है राइट की तरफ, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, डैश डैश। कहाँ गया यार, डैश डैश। ठीक है, ये हो गया, प्रिंट हो गया। सपोज आपको कॉपी राइट के समय प्रिंट करना है कॉपी राइट का, तो आपको क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट ऑन किया, सी लिखा, क्लोज किया, कॉपी राइट सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली सही हो रहे हैं। ठीक है, जो ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन है उसमें पहले से ये प्री डिफाइन है, ठीक है, तब ये ऑटोमेटिकली मतलब सही हो जा रहा है टाइप करते ही। सपोज आपको ट्रेडमार्क का साइन लिखना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल ब्रैकेट ओपन करोगे, TM लिखोगे, ओके, एंड देन TM, ट्रेडमार्क का साइन आ गया। रजिस्टर का साइन वैसे ही आपने क्या किया, सिंपल ब्रैकेट ओपन किया, R लिखा, ठीक है, रजिस्टर का सिंबल आ जाएगा। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, जूम कर लो उससे, ठीक है, इससे भी जूम कर लो, इसे भी जूम कर लो। इसके अलावा आपको स्माइली फेस जो होते हैं, स्माइली फेस वो आपको टाइप करना हो अपने सिस्टम पे, पेस्ट करना हो, तो आप कैसे करोगे, आप ये दबाओगे, सिंपल ब्रैकेट कोलन, नहीं हुआ, कंट्रोल जेड, आपने ये किया, प्रिंट किया कोलन, फिर आपने प्रेस किया ये, स्माइली फेस आ गया। ठीक है, फिर आपने प्रिंट किया कोलन डैश, एक और फेस आ गया। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कहाँ से, ठीक है, आपको जाना है फाइल में, ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में जाना है, उसके बाद प्रूफिंग में जाना है, प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ये ऑटो फॉर्मेट, ये ऑटो करेक्ट, ठीक है, ऑटो करेक्ट में आपको ऑटो करेक्ट में आना है, ये बाय डिफॉल्ट जो है पहले से ही सेट रहेगा ऑटो करेक्ट में। ये सारे सिंबल बने हुए हैं, जैसे कॉपीराइट के सिंबल के लिए क्या करना है, सी टाइप करना है, ठीक है, रजिस्टर के लिए R, ऐसे ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, आप एक एक करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ऑलराइट,
जैसे कि आपने देखा लेफ्ट एरो के लिए ऐसे प्रिंट करना बोर्ड में आ रहा है, राइट एरो के लिए जो बोर्ड में, इसके लिए आपको ऐसे ये सिंबल प्रिंट करना है, ठीक है, ये शॉर्टकट आप, ये तो मतलब ये तरह का शॉर्टकट है और इस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और राइट इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप अपना सिंबल ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं लिखूँ, जैसे सपोज मैं लिखना, जब मैं जब जब मैं सी आर टाइप करूँ, सी आर, जब मैं सी आर टाइप करूँ तो क्या कहते हैं आ जाए क्रेडिट, लिखे क्रेडिट, ठीक है, सी आर ई डी आई टी। जब मैं सी आर टाइप करूँगा तो क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ऐड कर दिया, ओके कर दिया, इसको भी ओके कर देंगे, ठीक है। अब मैं टाइप करूँगा सी आर, ठीक है, तो क्रेडिट में कन्वर्ट हो गया। और राइट सी आर टाइप किया, इंटर प्रेस किया, क्रेडिट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे आप अपना ऑप्शन बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। आपको जाना है प्रूफिंग में, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में, ठीक है। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें, तो इस तरह का मतलब आपको करना क्या है कि आपको रिप्लेस में वो वर्ड लिखना है जो आप टाइप करेंगे, ठीक है, और वो किससे कन्वर्ट होना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल के एच, ठीक है, एल के एच को मैं बदल दूंगा कितने, लाख्स में, लैक्स होता है ना, हम लोग किस में लिखते हैं, लैक्स में, ठीक है, लैक्स हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं नंबर, हम लाख में है, लाख, करोड़, हज़ार, 10,000, ऐसे कन्वर्ट करते, मतलब ऐसे काउंट करते हैं ना। तो मैं जब एल के एच लिखूँ तो लाख लिख के आ जाए, एल ए के एच या एस, लैक्स कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर दें, ओके कर दें, फिर से ओके कर दो, ओके। आप देखो एल के एच इंटर टाइप करोगे, लैक्स लिख के आ जाएगा, ओके। इसके अलावा ऑटो करेक्ट ऑप्शन करता है क्या है, सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ वी आई एन ओ डी, ठीक है, तो जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन ये क्या करता है, जो जो नाम है, जो मैंने अपना नाम लिखा है ना, तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट ऑप्शन को सही कर देगा, जैसे कि इंटर टाइप करोगे कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, आपने इस वीडियो से जो कुछ गेन किया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और कुछ और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, ओके। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।